राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की 90 में से 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। वहीं विजय बघेल को टिकट दिए जाने को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विजय बघेल भूपेश बघेल को एक बार चुनाव हरा चुके हैं, इस बार फिर उन्हें चुनाव हराएंगे। विजय बघेल की इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। रमन सिंह ने कहा कि सीटें केंद्रीय समिति घोषित करती है और सभी विधानसभाओं का सर्वे हो चुका है और उस आधार पर भाजपा घोषित करना चालू कर दी है। जो राजनीति में कुछ मापदंड के साथ काम करते थे और भोजवानी जी ने अपनी राजनीति यात्रा में अलग अलग मुकाम तक पहुंचने का काम किया, 60 के दशक में जनसंघ के दौर से जब पार्टी में कोई खड़ा नहीं होता था, उस समय भारतीय जनसंघ को मजबूत करने में शिव कुमार शास्त्री जी के साथ, जोशी जी के साथ लगातार मेहनत करके पार्टी को यहाँ लाया। पार्षद बनते रहे, लगातार पार्षद की भूमिका में सक्रिय रहे, नगर पालिका में उपाध्यक्ष, वरिष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्ष की भूमिका में रहे, बाद में 90 में विधायक बने,